हाय गाइस, मेरा नाम है लकी और आप देख रहे हैं थिंग्स बाय लकी। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सेल के एक खास फीचर के बारे में बताने वाला हूँ, तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक पूरा देखिए। और हाँ, अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दीजिए और बेल आइकॉन पे क्लिक कर दीजिए, ताकि हमें ऐसे वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो मैं वो एक्सेल शीट ओपन कर लेता हूँ जो अपने को उस खास फीचर के बारे में समझने के बारे में हेल्प करेगी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये एक्सेल शीट है जो बता रही है सैलरी की डिटेल्स। यहाँ पे सीरियल नंबर्स है, नेम ऑफ द एम्प्लॉयज़ है, कुछ 25-30 नंबर्स है एम्प्लॉयज़ है, और ये मंथ वाइज उनकी डिटेल्स है। तो आप देख सकते हो, जैसे ही मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो टाइटल जो ऊपर जो ये लाइन है ये भी स्क्रॉल डाउन हो जाती है। तो इससे हमें समझ में नहीं आता है कि ये कौन से मंथ की सैलरी है या फिर कौन से मंथ की सैलरी है। तो अगर अपने को ये लाइन फ्रीज यानी कि स्क्रॉल डाउन नहीं करानी है तो इसके लिए एक्सेल में एक फीचर दिया हुआ है, उसे कहते हैं फ्रीज पेन्स। उसके बारे में मैं आगे इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और देख सकते हैं आप, जैसे ही मैं राइट साइड में स्क्रॉल करता हूँ तो सीरियल नंबर भी चले जाते हैं, दिखते नहीं है। तो यहाँ पे व्यू टैब में जाना है। व्यू टैब में जाने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा है फ्रीज पेन्स। यहाँ पे राइट ये जो ट्रायंगल है यहाँ पे छोटू सा, वहाँ पे क्लिक करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे तीन ऑप्शन आ रहे हैं, फ्रीज पेन्स जहाँ पे कॉलम और रोज दोनों फ्रीज हो जाएंगे, यहाँ पे फ्रीज टॉप रो में जो टॉप मोस्ट रो है आपके स्क्रीन के ऊपर, जैसे कि यहाँ पे वन आ रही है, वन नंबर की रो, ये फ्रीज हो जाएगी। और जो थर्ड ऑप्शन है फ्रीज फर्स्ट कॉलम, यहाँ पे ये वाला कॉलम फ्रीज हो जाएगा। मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पे फ्रीज टॉप रो करता हूँ, आप देख सकते हैं वन नंबर के रो के नीचे एक लाइन आ गई है। जैसे ही मैं स्क्रॉल डाउन करूंगा तो वो लाइन स्क्रॉल नहीं हो रही है। अगर मैं फ्रीज फर्स्ट कॉलम पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ए के बाजू में एक लाइन आ गई, आप देख सकते हैं। अगर मैं राइट साइड में स्क्रॉल करूंगा तो वो ए नंबर का कॉलम स्क्रॉल नहीं होगा। और जो थर्ड वाला ऑप्शन है फ्रीज पेन्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऊपर का रो भी फ्रीज हो जा रहा है और नीचे का साइड का कॉलम भी फ्रीज हो जा रहा है। तो ये ऑप्शन के लिए यूज करने के लिए आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि आपको कौन सा रो फ्रीज करवाना है एंड कौन सा कॉलम फ्रीज करवाना है। जैसे कि मेरे को यहाँ पे ये 5 नंबर का रो फ्रीज करवाना है यानी कि स्क्रोल डाउन नहीं करवाना है, और ये वाला कॉलम स्क्रॉल डाउन राइट साइड में स्क्रॉल नहीं कराना है, तो मुझे ये ऑप्शन, ये वाला जो सेल है एक्सेल का, जो ये वाला सेल है D6, यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे फ्री स्पेंस करना होगा। तो जैसे ही मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ, अब ये डाउन साइड में स्क्रॉल नहीं हो रहा है। आप देख सकते हैं जो ऊपर की डिटेल्स है वो फ्रीज हो गए है। और मैं अगर राइट साइड में स्क्रॉल करता हूँ तो यहाँ पे अप्रैल का जो कॉलम है ये वाला, ये हाइड हो जाता है आगे स्क्रॉल करने के बाद। तो आपको देख सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड इस वीडियो को थम्स अप दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।